ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और लगातार चुनावी नतीजों के रुझान सामने आ रहे हैं। बीजेपी ने लगातार बढ़त बना रखी है। तीन राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, इन सभी जगह पर बीजेपी की बढ़त है। बिल्कुल, आप देखिए कि मध्य प्रदेश में तो बहुत उम्मीद कांग्रेस को थी, लेकिन वो उम्मीदों पर कांग्रेस खरी उतर नहीं पाई है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ तीन सीटों पर बहुत बनाए हुए कांग्रेस, और हिमाचल प्रदेश में अभी हालात टूटा साथ जैसे पाँचों सीटों पर जो स्थिति है भाजपा के पक्ष में है। रुझान है अभी खाली, और रुझानों में बीजेपी इन तीनों राज्यों में बहुमत में है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की बात करें तो कहा गया था कि 29 फूलों की माला जो है मोदी जी को भेंट की जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को जिस तरीके से जड़ से उखाड़ फेंका था विधानसभा चुनाव में, उम्मीद थी कि बीजेपी यहां पर बढ़त हासिल करेगी। देखिए, मैं अभी मध्य प्रदेश की बात करना चाहूँगा शेफाली, आपको बताऊंगा, मैं शुरू से सिलसिलेवार बताता हूँ आपको। आप खुद गई थी चंबल के दौरे पे, आप ग्वालियर रही, मुरैना रही, भिंड रही, तो मैं सबसे पहले मुरैना बताता हूँ। त्रिकोणी मुकाबले की बात की जा रही थी, लेकिन बीजेपी के शिव मंगल सिंह तोमर हैं, वो आगे चल रहे हैं 25,890 वोटों से। संध्या राय ने आपसे कही था कि मैं जीतूंगी, फूल सिंह गोरैया है, क्या कह रही थी इस समय संध्या राय? संध्या राय बहुत कॉन्फिडेंट थी, और सीधे तौर पर उनका ये कहना था कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ भी है वो मोदी है, और मोदी के चेहरे और मोदी के नाम पर ये चुनाव। अगर मोदी के नाम पर चुनाव है तो संध्या राय आपको बता दूँ 15,735 वोटों से इस समय आगे हैं। ग्वालियर में भरत सिंह कुशवाहा और कांग्रेस के पाठक साहब के बीच में मुकाबला था। व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो संध्या राय का कहीं ना कहीं विरोध था जनता में, लेकिन मोदी के नाम पर वोट। ग्वालियर में भरत सिंह कुशवाहा 41,500 वोटों से आगे हैं। एक बड़ा नाम मैं अगर आपको बात करूं कि कौन हो सकता है मध्य प्रदेश में, तो तीन नामों की चर्चा थी, जिसमें से एक थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके बाद एक नाम थे शिवराज सिंह चौहान, और एक जो नाम थे वो विष्णुदत्त शर्मा। विष्णुदत्त शर्मा के इलाके में आप खूब घूमी, आपने देखा वहाँ तो एक तरफा माहौल था, और जिस तरीके से कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना जो नामांकन था वो उस पर सिग्नेचर नहीं किए थे, और जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो गया था, उसके बाद चीज़ें सामने निकल कर आई थी, और उसी वक्त मान लिया गया था कि BD शर्मा वहाँ से जीत चुके हैं। BD शर्मा जीत चुके हैं, आपने उस समय मान लिया था। और मेरे पास जो ताज़ा इन्फॉर्मेशन आ रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया 3,75,000 वोटों से ज़्यादा से आगे चले। बिल्कुल, इस वक्त मुकाबला इस बात का नहीं है कि कांग्रेस या बीजेपी, इस वक्त मुकाबला जो है वो यहाँ के बड़े नेताओं में है। BD शर्मा हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, शिवराज सिंह चौहान हो, इनमें सर्वाधिक मार्जिन से जीत किसकी होगी, बात वो हो रही है। बुंदेलखंड में की बात करते हैं, कल आप बुंदेलखंड के बारे में खूब चर्चा कर रही थी। बुंदेलखंड में लता वानखड़े सागर से हैं बीजेपी की, 2,33,000 वोटों से ज़्यादा से आगे हैं। आप देखिए कि 10-25,000 नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का मैंने आपको बताया। वीरन खटीक जो हैं वो 2,95,000 वोटों से आगे से हैं। राहुल लोधी दमों में ये 2,03,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। BD शर्मा 2,40,000 वोटों से। बिल्कुल, BD शर्मा से जब बात हुई थी तब वो बहुत कॉन्फिडेंट थे, और उन्होंने कहा था कि हम 11 लाख वोटों से जीतेंगे। हालांकि वोटिंग ही उतनी हो पाई, वोटिंग परसेंटेज कम होने के बाद ज़रूर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि इस बार जीत की परसेंटेज क्या होगी, जीतेंगे कि नहीं। हालांकि वोटिंग परसेंटेज घटती है तो बीजेपी को नुकसान होता है, ये सब जो आंकलन है। जो बिंद में भी ऐसे ही कहा जा रहा था कि बुंदेलखंड के बाद बिंद आएंगे, तो बड़ा खसा हुआ मामला, नेक फाइट है। सपना में त्रिकोणी मुकाबला था, नारायण त्रिपाठी BSP से आ गए थे। आप देखिए कि गणेश सिंह, जिनका बड़ा विरोध था, वो 32,000 वोटों से आगे चल रहे हैं सपना जी। और जनार्दन मिश्रा रीवा में 82,000 वोटों से आगे हैं। सीधी में राजेश मिश्रा बीजेपी के 80,000 वोटों से आगे हैं। शहडोल से हिमाद्री सिंह, एक महिला चेहरा भारतीय जनता पार्टी का, वो 2,17,000 वोटों से आगे। बिल्कुल, और चुनाव पर दिन रात फोकस करने वाले व्यक्तियों का कहना ये था कि कुछ सीटें फंसी हुई हैं, 5 सीटें फंसी हुई हैं, 7 सीटें फंसी हुई हैं। फंसी हुई सीटों में एक मंडला की भी खूब चर्चा होती थी, सतना की चर्चा होती थी, सीधी की चर्चा होती थी, भिंड मुरैना ग्वालियर की चर्चा। लेकिन आप देखिए कि लाखों का डिफरेंस है, तो ये फंसी कहाँ थी? मंडला की जो सीट फंसी थी, वहाँ मैं आपको बता दूँ 69,300 वोटों से इस समय आगे चल रहे हैं फग्गन सिंह कुलस्ते। जबलपुर में आशीष दुबे बीजेपी के 1,76,000 वोटों से आगे। आप जो लाखों की बात कर रही हैं, भारती पारदी बालाघाट में 1,17,000 वोटों से आगे हैं। छिंदवाड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण सीट, कमलनाथ की सीट मानी जाती है, उनके पुत्र नकुलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के विवेक बंटी साहू 56,000 वोटों से आगे। बिल्कुल, यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फंसा हुआ कुछ नहीं है, हजारों की मार्जिन नहीं है, यहाँ लाखों की बात हो रही है।
आप जो 29 फूलों की माला की बात करती हैं, 29 फूलों की माला होती पूरी दिख रही है, होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम, होशंगाबाद में दर्शन सिंह चौधरी हैं 2,36,993 वोटों से आगे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि लगातार चुनाव लड़ने वाले ही, बल्कि पहली बार चुनाव लड़ने वाले लोगों ने भी अपनी लाखों की वोटिंग परसेंटेज जो है, मार्जिन जो है, वो बनाकर रखी है जीत हार की। एक सीट सबकी निगाह जिसपे है वो है विदिशा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान इस समय 4,76,500 वोटों से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई नहीं बची है, जीत हार नहीं बची है, अब बचा है तो सिर्फ कि कौन सा नेता कितनी बड़ी मार्जिन से जीतेगा। भोपाल लोकसभा सीट भाजपा का गढ़ है, जहाँ से आलोक शर्मा पुराने नेता है, बीजेपी के मेयर भी रहे हैं, पार्षद भी रहे, उनको टिकट दिया था आलोक शर्मा 1,43,800 वोटों से। बिल्कुल कहा जा रहा था कि कायस्थ वोट श्रीवास्तव को मिलेंगे कांग्रेस के, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा जी। तो यहाँ लगातार हमारी चर्चा जारी रहेगी। हम लेकिन एक इम्पोर्टेंट खबर मेरे पास इस समय आ रही है, बहुत महत्वपूर्ण सीट है, आप बात कर रही थी राजगढ़, दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, दिग्विजय सिंह राजा कांग्रेस के, और खास कहा जा रहा था कि दिग्विजय सिंह ने इस बार अपनी एड़ी चोटी लगाई है जीतने के लिए। इस एड़ी चोटी के बाद स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी के रोडमल नागर 50,285 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं देवास मालवा की बात कर लें थोड़ी सी, वहाँ के भी कुछ रुझान हमारे पास आ रहे हैं। देवास में महेंद्र सिंह सोलंकी हैं बीजेपी के, वो 3,22,000 वोटों से आगे। आप जो जीत हार का आंकड़ा है वो देखिए, देवास में मतलब कांग्रेस की स्थिति क्या है, बीजेपी के प्रत्याशी 3,22,344 वोटों से आगे चल रहा है। उज्जैन जहाँ के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, वहाँ अनिल सरोजिया जी जो वर्तमान अभी सांसद थे 1,55,000 वोटों से आगे हैं। मंदसौर पशुपतिनाथ के शहर से सुधीर गुप्ता 2,33,500 वोटों से आगे, छोटी मोटी लीड नहीं है ये, 2,00,000-3,00,000 आप देखिए। एक बड़ी महत्वपूर्ण सीट है, कल भी आपने चर्चा की उसके ऊपर, वो है रतलाम झाबुआ से, जहाँ से कांतिलाल भूरिया चुनाव लड़ रहे हैं। कांतिलाल भूरिया जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ भाजपा की प्रत्याशी हैं अनीता नागर सिंह चौहान, 1,66,000 वोटों से आगे। आप देखिए कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं सबका डब्बा गोल हो रहा है। बिल्कुल कांग्रेस के नेताओं का डब्बा गोल हो रहा है। और मुझे सर कैंपेनिंग याद आ रही है बीजेपी की, कि आपका वोट सीधे मोदी को जाता है। यहाँ बीजेपी अगर क्लीन स्वीप कर रही है और वो करती दिखाई दे रही है, और वो सारा का सारा वोट जो है वो मोदी को गया। धार में सावित्री ठाकुर बीजेपी की 1,29,660 वोटों से आगे हैं। और एक बहुत बड़ी चौंकाऊ खबर इंदौर से आ रही है। इंदौर में हालांकि एक तरफा चुनाव था, शंकर लालवानी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, अक्षय कांति बम जो कांग्रेस प्रत्याशी थे लास्ट मोमेंट पे पर्चा वापस लिया, बीजेपी में शामिल हो गए। शंकर लालवानी की जो जीत हार का आंकड़ा है वो बेहद चौंकाने वाला है, 8,00,000 वोटों से आगे। बिल्कुल ये माना जा रहा था कि इंदौर के प्रत्याशी जो है अब एक तरफा चुनाव के कारण सर्वाधिक वोटों से जीत सकते, और मुझे लगता है 8,00,000 का आंकड़ा भी और ऊपर जाएगा। ये मुझे लगता है कि सर्वाधिक वोट वाला जो रिकॉर्ड है वो इंदौर कायम कर सकता है। इंदौर ने रिकॉर्ड बनाया सफाई का, लगातार सफाई में नंबर वन है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस पर भी झाड़ू फिर गई है इंदौर। जी हाँ, इंदौर के सर हमेशा किसी ना किसी रिकॉर्ड का ताज रहता है, और इस बार हो सकता है कि सर्वाधिक वोटों का रिकॉर्ड का ताज इंदौर। निमाड़ की भी कुछ जानकारी आई है शेफाली जी, गजेंद्र पटेल खरगोन से खड़े हुए हैं बीजेपी के, वो कांग्रेस प्रत्याशी से 1,03,000 वोटों से आगे हैं। और ज्ञानेश्वर पाटिल खंडवा के जो सांसद रहे अभी तक, ज्ञानेश्वर पाटिल 1,54,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और बैतूल जो आदिवासी इलाका है वहाँ पे दुर्गा दास उनके 2,57,000 वोटों से। लगातार अब क्लीन स्वीप किसको कहते हैं, क्लीन स्वीप अगर देखनी है तो मध्य प्रदेश के चुनावी परिणाम देखिए, एकदम क्लीन स्वीप है। और जिस तरीके का दावा बीजेपी कर रही थी कि 29 की 29 सीटें हमारी हैं, तो इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहा जा रहा था। मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बेहतरीन प्रयोगशाला है वो मध्य प्रदेश है, तो जैसा चाहते हैं वैसे परिणाम आते हैं। इस बार उम्मीद उत्तर प्रदेश, आप उत्तर प्रदेश से आती वहाँ ज्यादा की जा रही थी, वहाँ बीजेपी घाटे में है। बिल्कुल वहाँ बीजेपी घाटे में है। और यहाँ पर आपने ध्यान दिया हो सर कि मध्य प्रदेश के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है माइक्रो मैनेजमेंट में। आजकल ये अपनी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, और विदेशों से भी एक डेलीगेट आया था जो इनके पास इनको देखने आया था कि कैसे मैनेज करते हैं। और एक बात इन्होंने कहा था कि हर बूथ पे हमको 370 वोट बढ़ाना है जी, और हम 370 वोट अगर बढ़ा लेते हैं हर बूथ पे तो हम जीत जाएंगे। हालांकि बीडी शर्मा ने जब ये कहा था कम वोटिंग पे कि कांग्रेस के लोगों ने वोट नहीं दिया, मुझे लगता है बीडी शर्मा की बात सच्चा देते। बिल्कुल माइक्रो मैनेजमेंट की बात करते बीडी शर्मा, और उनका प्रेजेंटेशन मोदी जी दिल्ली में करवाते हैं, तो इसका
मतलब कहीं ना कहीं बीडी शर्मा जो हैं वो बहुत बारीकी से इस चीज को देखते हैं, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा था कि हम जो है कांग्रेसियों ने वोट नहीं दिया, हमारे वालों ने तो वोट दिया। आप बार बार पूछते हैं, मैं आपसे पूछा हूँ, अब जीतू पटवारी क्या करेंगे? मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उन्होंने पूरा कांग्रेस कार्यालय का वास्तु बदल दिया। बिल्कुल, मैं अभी कमरे का वास्तु पे आने वाली थी सर, कि ठीक है कमलनाथ जी ने उसी वास्तु में अपनी पूरी सरकार बनाई थी, और आप लोगों ने अगर सहयोग किया होता तो वो सरकार 5 साल चला भी लेते, लेकिन अब आप वास्तु बदल के बहुत बड़ा नुकसान कर दिया सर। वास्तु बदलते जो एक सीट थी, मुझे लगता है कि अभी ये रुझान है, परिणाम नहीं है, वो एक सीट भी छिंदवाड़ा के उनके हाथ से ना चली जाए। एक सीट और उम्मीद कर रहे थे कि मुरैना आ सकती है, रतलाम आ सकती है, राजगढ़ आ सकती है। तो फिलहाल रुझान ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में संकट का समय शुरू हो गया। बिल्कुल, बहुत बड़े मार्जिन के साथ भाजपा के सभी प्रत्याशियों ने अपनी बढ़त बना रखी है, और कहीं ना कहीं 29 कमल के फूलों की माला अब तैयार होना शुरू हो चुकी है। मुझे लगता है सारा का सारा जो परिणाम है ये मोदी को समर्पित है, मोदी की हवा और भाजपा कार्यकर्ताओं की ताकत ने मिलकर ये 29 कमल की माला तैयार करने का अवसर बीजेपी को दिया। जी, हम फिर मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद, और लगातार आपको यूं ही नतीजों के परिणाम दिखाते रहेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।